भंडारे में मिलने वाला खिला खिला सूजी का हलवा बिल्कुल वैसा ही बना है ना। हलवाई वाली ट्रिक से बनाएंगे जबरदस्त टेस्टी सूजी का हलवा, जो हलवाई किसी को नहीं बताते हैं। अष्टमी नौवीं पे जो विशेष रूप से बनाया जाता है ना सूजी का हलवा भोग के लिए फ्रेंड्स, तो बस मैं वही बना रही हूँ। बिल्कुल हलवाई की ट्रिक से बनाएंगे। हलवे की विशेष बात यह है कि सूजी एकदम खिली खिली दानेदार रहेगी, दाना हर दाना रसीला रहेगा, ठंडा होने पर भी हमारा हलवा चमकदार और रसीला बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं अंकिता जैन अंकिता की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, उसी कटोरी से मैंने ये सूजी ली है। ये मेरी बारीक वाली सूजी है फ्रेंड्स, एक इससे थोड़ी मोटी भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो है तो आप उसको एक बार मिक्सर में हल्का सा घुमा लीजिए, फिर लेंगे। फ्रेंड्स इसी कटोरी से मैंने पौन कटोरी लिया है घी। आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसमें हम जो भी कटोरी लेंगे उसी से सब नापेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनको छोटा छोटा पीस कर लिया है। आप अपने पसंद के काजू बादाम के अलावा और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें करीब 2 चम्मच मैंने घी डाला है। फ्रेंड्स घी हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद जो मैंने काजू और बादाम को पीस करके रखे थे अब उनको इसमें थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, हमें इसका हल्का सा कलर चेंज होने देना है। ये ध्यान रहे कि ये जले ना, बस हल्का सा कलर चेंज हो, टेस्ट चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स हमें इसका। आप देख सकते हैं कि हमारे काजू बादाम सीख गए हैं, अब मैं इसे निकाल दूंगी। और इसके बाद जो मैंने किशमिश रखी है फ्रेंड्स, मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है, इसी स्टेज पे मैंने किशमिश को डाला है। ये देखिए आप कितने अच्छे से फूल रही है। आपको बस ये ध्यान रखना है इसे एकदम तेज़ घी पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगी। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऐसे सेकेंगे भी नहीं तो आप जब आपकी सूजी अच्छे सिक जाएगी तब भी इसे डाल सकते। बस इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल दी है सूजी को। फ्रेंड्स अभी मैंने इसमें थोड़ा सा घी कम ही रखा है, हमें तलने के लिए हमने जो घी लिया था उसी में मैं थोड़ा सा सूजी को सेकूंगी और धीरे धीरे घी को इसमें ऐड करती जाऊंगी। इससे ना घी भी कम लगता है और सूजी भी बहुत अच्छे से सिकती है। अभी मैंने करीब 2 से 3 चम्मच घी वापस से डाला है फ्रेंड्स, और अब मैं इसे धीमी आँच पर अच्छे से सेकूँगी। फ्रेंड्स ये सूजी सिकने में हमें करीब 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और ये सूजी अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में मैं हलवा बना रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसे भी है ना, हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें एक मेज़रमेंट लेना पड़ता है। अगर हमारे पास मेज़रमेंट कप है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी से हम सारी चीज़ों को नाप के इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से हमारी जो रेसिपी है ना वो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अब इसमें मैं 2 चम्मच करीब घी और ऐड करूँगी। फ्रेंड्स जो घी मैंने पौन कटोरी लिया है ये उसी में से यूज़ हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी सूजी को थोड़ा सा और सेकना है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है फ्रेंड्स, पर हमें गैस धीमा ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी सूजी अभी सिकी नहीं है, इसे 5 से 7 मिनट आराम से लग जाता है। अब मैं इसमें हलवाई की एक सीक्रेट चीज़ डालूंगी फ्रेंड्स। इस स्टेज पे मैंने 1 बड़ी चम्मच भर के डाला है बेसन। फ्रेंड्स अब बेसन डालेंगे ना तो आपके हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स अगर आप इसे प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बेसन को स्किप कर सकते हैं, बाकी ये नॉर्मली अगर आप घर के लिए बना रहे हैं या गेस्ट आए हैं उनके लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बेसन ज़रूर ऐड करिएगा, आपका हलवा बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। अभी हम इसे सेकते रहेंगे फ्रेंड्स, आप बस इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, कलर चेंज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप गैस तेज कर दें और ये इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए बट सूजी जल जाए, ऐसा ना हो इसलिए आप गैस को धीमा ही रखिएगा और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। फ्रेंड्स धीमी आंच पे हमारी सूजी सिक रही है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में है ना एक काम और कर लेती हूँ। जब तक ये सूजी सिक रही है तब तक मैं इसके लिए शक्कर की चाशनी तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक कटोरी भर के शक्कर लिया, ये वही कटोरी है जिस कटोरी से मैंने सूजी को नापा था।
और घी को नापा था। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल दूंगी और इसी कटोरी से 3 कटोरी हम पानी लेंगे। आप रेशो का ध्यान रखेंगे ना तो फ्रेंड्स आपका हलवा एकदम खिला खिला बनेगा और रसीला बनेगा, चिपचिपा बिल्कुल नहीं बनेगा। फ्रेंड्स आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट हलवा बनेगा पहली बार में। बस ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और इसमें मैं करीब आधा चम्मच भर के इलायची पाउडर ऐड करूँगी। और आपके पास अगर केसर है तो 8 से 10 धागे केसर के डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो हलवाई लोग बनाते हैं तो वो लोग केसर और फूड कलर दोनों ऐड करते हैं। अब मैं इसे गैस पर रख दूँगी, इसे 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी तैयार नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए और केसर का कलर अच्छे से शक्कर और पानी में मिक्स हो जाए, ताकि जो हमारा हलवा बने वो एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो, एकदम रसीला और कलरफुल दिखे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी शक्कर घुल गई है, 1 से 1.5 मिनट लगा है, मैंने गैस बंद कर दिया है। वही हमारी सूजी का कलर भी चेंज हो गया है, इसे मैंने कंटिन्यूसली साइड में चलाती रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ब्राउन कलर की हो गई है, गोल्डन ब्राउन। अब बस इस स्टेज पर है ना, मैं थोड़ा सा गैस को बंद करूँगी और उसके बाद में इस शक्कर के पानी को इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स ऐसा आप इसलिए करिएगा क्योंकि जब सूजी भी गर्म होती है और पानी भी गर्म होता है तो छींटे आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इस स्टेज पे गैस ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा तो ये जो पानी दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये सब सूजी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। आप ये देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें कितने बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, ये आपके हाथ पे उचट के आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इस जगह पे ध्यान से करिएगा। बस ये करीब आधा 1 मिनट और लगेगा और हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पानी हलवे में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं जो घी बचा है उसे ऐड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम रसीला है। आप ये एकदम परफेक्ट बना है, इसकी पहचान ये है कि कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। आप इसको जब चला रहे हैं तो देख सकते हैं कि ये कढ़ाई की साइड्स को छोड़ रहा है। फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स आप हलवे को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। जय जिनेन।